हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी बदस इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा चार की अपनी हिंदी की पुस्तक फुलवारी का एक पाठ है जिसका नाम है हौसला। आज हम उस पाठ को पढ़ते हैं और पाठ को पढ़ने के बाद अंत में पाठ में दिए गए कठिन शब्द, रिक्त स्थान, प्रश्न उत्तर, बोधात्मक जो भी हो कुछ अभ्यास होगा वो भी इसी के साथ साथ हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक है फुलवारी कक्षा चार। चलिए आज हम इस पुस्तक को पाठ तेरा, इस फुलवारी पुस्तक का पाठ तेरा, पाठ का नाम है हौसला। आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखिए आप, पाठ तेरा है, पाठ का नाम हौसला। इस पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाई गई है जो किसी दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो देता है और अंत में वह बहुत ही कामयाब व्यक्ति बनकर के सामने, कहानी के अंत में वह बहुत कामयाब बच्चा बनकर के सामने आता है। इसमें ये बताया गया है व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और साथ में सामान्य परिवहन के, यातायात के नियमों का पालन करने का भी उपदेश दिया गया है जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़िए आप सभी लोग हमारे साथ। जुलाई का दूसरा सप्ताह, 15 जुलाई सन 1979 होता है 1979। अपनी माँ के साथ हमारी कक्षा में एक बच्चा आया, उसका उसी दिन दाखिला हुआ था। नाम माइकल, स्वास्थ्य गोल मटोल, छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल, हँसता हुआ सा चेहरा। कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार और प्रतिभा के बल पर वह कक्षा में सबकी आँखों का तारा हो गया। माइकल कब मेरा सबसे खास दोस्त हो गया। मुझे पता भी न चला। साथ साथ रहना, खेलना, पढ़ना, खाना पीना, मित्र के साथ साथ वह मेरा प्रतिद्वंदी भी था। कक्षा में सबसे अधिक अंक पाने के लिए हम दोनों में होड़ लगी रहती थी, मतलब एक दूसरे से प्रतियोगिता रहती थी कि कौन सबसे पहले आगे आएगा। वह संगीत में प्रथम रहता, मैं खेल में। माइकल चित्रकला में पुरस्कार पाता, मैं भाषण में। उसे गणित में ज़्यादा अंक मिलते तो मुझे हिंदी में। इस तरह से हम दोनों के बीच एक होड़ लगी रहती थी। एक दिन सुबह स्कूल खुलते ही प्रधानाचार्य जी ने हमें अपने कक्ष में बुलवा लिया। बोले, बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है। चेन्नई में बच्चों की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता होने वाली है। मैंने वहाँ तुम दोनों का नाम भेज दिया है। मैं ही चाहता हूँ कि तुम देश भर में अपने विद्यालय का नाम रोशन करो। तुम्हारी शिक्षिका मंजीत साथ रहेंगी। अगले सप्ताह ही जाना होगा, इसलिए मंजीत से मिलकर तैयारी कर लो। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। मंजीत मैडम से मिलकर बात की और जी जान से प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गए। यहाँ पर बताया गया है कि इन बच्चों को बहुत जल्दी एक अवसर मिला राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का, और मैं यानी लेखक और माइकल जो नया बच्चा आया था उसको, और साथ में किसको जाना था, टीचर को, जिनका नाम था मंजीत। अगला, पूरे एक सप्ताह तक हम चेन्नई में रहे, जिसको आजकल मद्रास के नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पहले चेन्नई को मद्रास के नाम से जाना जाता था। माइकल ने संगीत में स्वर्ण पदक जीता, मैंने भाषण में। हमें और भी कई पुरस्कार मिले, जहां कई प्रदेशों के बच्चे हमारे दोस्त बन गए। अब हम जल्द से जल्द घर पहुंचकर इस खुशी को सबसे साझा करना चाहते थे। बस पकड़ने की जल्दी में माइकल ने चौराहे पर जली लाल बत्ती नहीं देखी। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती, इस तरह की जो बत्तियाँ होती हैं
वो हमें संकेत देती हैं कि हमें सड़क के नियम का पालन करना चाहिए। लाल बत्ती अगर जल रही है तो आपको पैदल पथ पार नहीं करना चाहिए। माइकल ने ध्यान नहीं दिया और दूसरी ओर से आ रहे वाहन की चपेट में आ गया। होश आने पर वह अस्पताल में था और दोनों पैर गवा चुका था। रंग में भंग पड़ गया, सबकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। बच्चों, हमको भी जब सड़क पार करना चाहिए या यातायात में होना चाहिए तो यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश माइकल अब यातायात के नियम का पालन नहीं कर सका और अपने दुर्घटना में दोनों पैर गंवा बैठा। सुना था कि विपत्ति कभी बताकर नहीं आती। कई बार हमारी जरा सी असावधानी जीवन भर का दुख बन जाती है। वापसी में ऐसा ही हुआ। इसी बीच माइकल के पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अपनी माँ, पिताजी और बहन के साथ माइकल शहर छोड़ रहा था तो लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई प्राण ले जा रहा है। माइकल चंडीगढ़ जा चुका था। कुछ दिनों तक दीदी की चिट्ठियाँ आती रहीं जो धीरे धीरे कम होती गईं। बरसों के अंतराल ने हमें एक दूसरे से लगभग दूर कर दिया था। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इसी बीच माइकल के पिता का ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया और वो भी चला गया। उसकी दीदी से कुछ समय तक पत्र व्यवहार होता रहा लेकिन वो भी बंद हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अध्यापक बन गया। कक्षा के बच्चों में अभी भी मेरी निगाह माइकल को ढूंढती, पर माइकल का कोई कहीं अता पता न था। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लगभग ऐसा ही हुआ। अपने विद्यालय के बच्चों की टीम लेकर मुझे मुंबई जाना पड़ा। इस बार मैं बहुत सावधान था, सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे। मैंने चेतावनी पूर्वक कहा। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन प्रारंभ हुआ। उद्बोधक ने बताया कि उद्घाटन एक महान संगीतज्ञ के द्वारा किया जाना है। पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र बजना प्रारंभ हुआ। मंच पर धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश फैलने लगा। व्हील चेयर, यानी इसको पहिया कुर्सी बोलते हैं, व्हील चेयर पर माइक हाथ में थामे मुख्य अतिथि मंच पर आए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अरे, यह तो मेरे बचपन का मित्र माइकल है। मैं चौंक उठा, मेरी आंखें खुशी से भर आईं। माइकल ने बेहद मधुर गीत सुनाया। गाते गाते उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। माइकल की दृष्टि अचानक कार्यक्रम में उस पर पड़ी और उसने अभिवादन किया। फिर क्या हुआ, कार्यक्रम समाप्त होते ही मैं दौड़कर मंच पर गया। माइकल ने मुझे गले लगा लिया। हम दोनों बचपन के मित्र हैं, माइकल ने मेरे विद्यालय को बताया। इसके बाद माइकल हम सबको यहाँ से ले गया जहाँ वह रुका हुआ था। उसने बताया, तुम्हें याद है ना अवनीश, वह दुर्घटना, टांगें गवा देने पर मैं जीवन से निराश हो गया था, अपने आप को अक्षम समझने लगा था। उस समय रोजी दीदी ने मुझे हताशा से उबारा। दीदी मुझे संभालती, किताबें लाती, कैसेट लाती, उन्होंने मुझे गिटार भी ला कर दिया। तुम एक दिन ज़रूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, दीदी कहती। धीरे धीरे मैंने संगीत का अभ्यास प्रारंभ कर दिया और अपने सपने को साकार किया। मैं अपना एक संगीत का स्कूल भी चलाता हूँ जहाँ तमाम बच्चे मुफ्त में संगीत सीख रहे हैं। बच्चे उत्सुकता से माइकल की बातें सुन रहे थे। वह कह रहा था, प्यारे बच्चों, बड़ी से बड़ी विपत्ति भी सब कुछ समाप्त नहीं करती। विपत्ति के समय हौसला बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप में हिम्मत है,
हौसला है तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा। समझ गए क्यों इस पाठ का नाम हौसला क्यों रखा गया? यहाँ पर एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि जो बचपन में एक विकलांग हो जाता है, लेकिन वह अपने आप से कभी निराश नहीं होता और अंत में बहुत बड़ा संगीतकार बनता है। यानी कि यह तो एक उदाहरण था, उसका मतलब ये था कि वह अपने जीवन में कामयाब हुआ अपने कठिन परिश्रम के दम से। यानी कि व्यक्ति को परेशान होने पर हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हौसला रखना चाहिए। अब हम कठिन शब्दों का प्रयास करते हैं, अर्थ समझते हैं। बुलंदी का मतलब होता है ऊंचाई, दाखिला का मतलब प्रवेश, प्रतिभा का मतलब साधारण बुद्धिमत्ता, हताशा का मतलब निराशा, प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला, प्रतियोगिता यानी कि उसको होड़ कह सकते हैं, हौसला मतलब उत्साह, लक्ष्य यानी उद्देश्य, अंतराल कारणों के मध्य का अवकाश। दरअसल क्या होता है, शब्द अर्थ का मतलब, शब्द तो सभी होते हैं लेकिन अर्थ जिस भाषा को हम समझते हैं उस भाषा में उस शब्द का मतलब बताना ही शब्द अर्थ कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, माइकल किस गुण के कारण सबकी आँखों का तारा हो गया था? माइकल अपने हसमुख स्वभाव के कारण सबकी आँखों का तारा हो गया था। माइकल के साथ क्या दुर्घटना क्यों हुई? बताया था उसने लाल बत्ती होने पर ध्यान नहीं दिया, उसने जो लाल बत्ती का जो इशारा हुआ और उस लाल बत्ती पर वो सड़क पार करने लगा, जिससे वह वाहन की चपेट में आ गया। अगला है, दुर्घटना से माइकल पर क्या प्रभाव पड़ा? दुर्घटना से माइकल पर क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों, दुर्घटना से माइकल के जो पैर थे वो क्या हो गए, चले गए यानी कि कट गए। अब क्या होना था, आगे के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न, रोजी ने माइकल को हताशा से कैसे उबारा? कैसे उबारा? उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसका क्या हुआ, उसको बताया कि तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होगे। उसको कैसेट लाकर दिए। माइकल ने अपना सपना कैसे पूरा कर पाया? माइकल ने अपना सपना संगीत, बहुत बड़ा संगीतज्ञ बन के पूरा कर पाया। अब कुछ अन्य प्रश्न, जैसा कि एक प्रश्न दिया गया है, बेटा तुम दोनों ने हमारे विद्यालय का सदैव गौरव बढ़ाया है, ये किसने कहा था? प्रधानाचार्य ने। बताइए कब कहा था, जब उन बच्चों को राष्ट्र स्तरीय परीक्षा में जाने का अवसर मिला। तुम एक दिन ज़रूर प्रसिद्ध संगीतकार बनोगे, कौन कहता था, रोजी दीदी, क्योंकि जब माइकल के पैर चले गए थे तो वो निराश हो गया था। सभी बच्चे यातायात के नियमों का पालन करेंगे, किसने कहा था, अध्यापक ने, कब, जब बम्बई के लिए बच्चों को प्रतियोगिता में लेकर के जाना था तो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे साथ जाएंगे वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। हम दोनों कौन, लेखक ने कहा था, माइकल और लेखक यानी इसका नाम अवनीश। हम दोनों बचपन के मित्र हैं। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होकर रहेगा, ये किसने कहा था, माइकल ने कहा था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का नाम हौसला क्यों रखा गया है। पाठ का शीर्षक हौसला है, इस पाठ को तुम क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसमें क्या शीर्षक देना चाहेंगे, हम इसको हौसला ही देना चाहेंगे। पाठ के प्रारंभ में लेखक ने अपने मित्र के बारे में कुछ बातें बताई थी, जैसे कैसा था वह, स्वस्थ, गोल मटोल, छोटी छोटी आँखें, घुंघराले बाल, हँसता हुआ चेहरा। अब कुछ अन्य प्रश्न, चित्र को देखकर मुहावरे बनाएं, कैसा क्या है,
आँख का तारा होना, अंधे की लाठी होना, ये हो गया आपका अंधे की लाठी। अगला अंतिम वाला है निडर होना। यहाँ पर जैसे हाथी निकल रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये भी इस तरह से मुहावरा होता है। तो ये चित्र की सहायता से आपको मुहावरे बनाए गए हैं। इसमें मुहावरों में जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों का अर्थ अलग होता है। ये वाक्य की या कथन की या कहानी की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। अंत में कुछ अभ्यास हैं। नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का क्या मतलब है लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लिखा है लाल रंग, यहाँ पर होता है रुकना, और ये वाहन का, ये हेल्पलाइन नंबर, यानी इसको आप बोल सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। ये आपका है पैदल पार पथ। जब आप ट्रैफिक में जाते हैं तो आपको इस तरह के चिन्ह बने होते हैं। ये आपका रेलवे फाटक, अगर आगे रेलवे फाटक आने वाला है तो इस तरह का चिन्ह लगा होगा। हरी बत्ती चलें, पीली इंतज़ार करें, वेट करें, और ये है रुकें। तीन तरह की बत्तियां होती हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो यहाँ पर रेड होगी, और रेड का मतलब होता है रुकना। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है हॉर्न ना बजाएं। यहाँ पर आगे वाहन गुजरने का रास्ता है, सड़क है, तो इस तरह के हॉर्न हमें सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए लिखिए। बच्चों हमें सड़क पर चलने समय संकेतों को देखना चाहिए, हमको किस रास्ते पर चलना है, कब चलना है, कहाँ चलना है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर दुर्घटना होने पर हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको अपनी ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे कि हम सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।